भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता मेडल। जर्मनी को मात देकर भारत ने रचा इतिहास। बॉलीवुड स्टार्स ने दी टीम को बधाई। जीत गए हम, आप सबको, हम सबको, देश को बहुत बहुत मुबारक हो। हॉकी टीम को सलाम है और हमारे खिलाड़ियों को सलाम है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अपना बेहतरीन हॉकी का खेल दिखाते हुए जर्मनी को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 5-4 के अंतर से मात दे दी और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। 41 साल के बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ये सफलता हासिल की है। भारतीय टीम की सफलता पर हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। ऐसे में शानदार मौके पर बॉलीवुड सितारे भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत खूब, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, बधाई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए लिखा कि इतिहास रचने पर टीम इंडिया को बधाई, 41 साल बाद ओलंपिक पदक, क्या मैच, क्या शानदार वापसी। भारतीय हॉकी टीम को बधाई देते हुए सनी देओल ने ट्वीट किया, हम जीत गए, क्या शानदार जीत है, हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई, हमारी हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। अनिल कपूर ने पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि अभूतपूर्व जीत, काश मेरे पापा इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित होते तो खुश होते, हॉकी टीम थैंक यू, बधाई हो। डायरेक्टर मधुर मंडारकर ने लिखा, ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडियन हॉकी टीम को बधाई। फिल्म हंगामा 2 की एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष ने भी हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, 4 दशक के बाद हॉकी टीम को मेडल, बधाई हो, बहुत गर्व है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक जीत जो इतिहास में दर्ज होगी, हमारी पुरुष हॉकी टीम का क्या शानदार प्रदर्शन रहा है, 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल घर लाने के लिए बधाई हो टीम इंडिया। वहीं इसके अलावा बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की तो वो भी इतिहास रचने में एक कदम दूर है। आपको बता दें ओलंपिक खेलों में भारत अब तक महिला हॉकी में कोई मेडल हासिल नहीं कर सका है। ऐसे में भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ये मुकाबला भारत और ब्रिटेन के बीच ब्रॉन्ज मेडल और तीसरे स्थान के लिए होना है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।